गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट, ठीक है। इसमें पावर पॉइंट स्टडी में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लूसेंट के बारे में पढ़ेंगे। लूसेंट, ठीक है, लूसेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आज है 11 जनवरी, ठीक है। इसमें हम लूसेंट में क्या पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म। इससे पहले क्या हो गया था, जैन धर्म का पूरा हो गया। इसमें पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। बौद्ध धर्म में कौन, गौतम बुद्ध द्वारा इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो लूसेंट के बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी रह गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म, ठीक है, इनका इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, नेपाल के तराई में, नेपाल के तराई में स्थित, तराई में स्थित कपिल वस्तु में, ठीक है। नेपाल के स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में साक, किसके हैं, साक के कुल में कितने, 1563 ईसा पूर्व, ठीक है, 1563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, किसका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था महामाया, क्या नाम था, महा माया इनकी माता का नाम था, किसकी, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, महा माया इनकी माता का नाम था। और ये किस राजवंश, किस वंश की थी, ये थी कौल्य, कौल्य वंश की, इनकी माता किसकी, कौल्य वंश की इनकी, हाँ ठीक है, इनकी माता का नाम कौल्य वंश की थी, ठीक है। और इसमें क्या, बुद्ध अर्थ का, ठीक है, इसमें ये गौतम बुद्ध के, ठीक है, जो गौतम बुद्ध का बुद्ध नाम है इसका अर्थ है ज्ञान, ठीक है। गौतम बुद्ध का जो बुद्ध अर्थ, बुद्ध नाम है उसका अर्थ है ज्ञान, ठीक है। और गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध की माता और इनकी मौसी ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था, इनकी मौसी ने, गौतम बुद्ध की मौसी ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था, किसका, गौतम बुद्ध के, इनका पालन पोषण, इनकी मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी क्या था, इनकी मौसी का नाम था जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है, किसकी, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ने इनके बारे में मतलब एक तरीके से जीवन के बारे में इनके थोड़ा थोड़ा पॉइंट पढ़ेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा एकदम से पढ़ा दिया, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध की घटना, उनके पवित्रता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए तथ्य, ठीक है। गौतम बुद्ध में देखो, इनकी ये थी राव, इनके पुत्र का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के यशोधरा, इनकी क्या था, इनके रुक जाओ, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का था शुद्धोधन, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा,
यशोधरा, सॉरी, यशोधरा इनकी, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, और इनके चचेरे भाई का क्या नाम था? इनके चचेरे भाई का नाम था, देखो ये कौन थी, यशोदा इनकी पत्नी, इनकी कौन थी पत्नी, ये उनके पुत्र का नाम था, इनके चचेरे भाई का नाम क्या था, किसके, इनके चचेरे भाई का क्या नाम था, इनके चचेरे भाई का नाम था गौतम बुद्ध के चचेरे नाम था देवदत्त, देवदत्त इनके चचेरे भाई का नाम था। ठीक है, अब इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लिखेंगे जो गौतम बुद्ध के, देखो ये इनके फाउंडर कौन थे, बुद्ध बुद्ध धर्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध, जिन्हें बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। जन्म के वक्त नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में सक कुल में 1563 ईसा पूर्व में इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौलीय वंश की थी। ठीक है, और इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, पत्नी का नाम यशोदा धरा था, पुत्र का नाम राहुल था, और चचेरे भाई का नाम देव धरता। ठीक है, अब इनके जीवन के जुड़े हुए कुछ मतलब जो होते नहीं है कैरेक्टर, ठीक है, उनके बारे में पर लोग पढ़ेंगे कि मतलब कौन कौन इनके जीवन में महत्व था, किन किन लोगों का कौन कौन से कैरेक्टर इनकी उसमें थे। ठीक है, एक साइड हम इनके नाम लिखेंगे और एक साइड वो लिखेंगे। ठीक है, क्या था चन्ना, ठीक है, चन्ना कौन था, चन्ना था बुद्ध का सारथी। ठीक है, बुद्ध का क्या था, सारथी, बुद्ध का सारथी। ठीक है, चंदन सुनार ये कौन था, ये वो था जिसने गौतम बुद्ध को, किसको, बुद्ध को, ठीक है, ये सुनार ये था कि जिसने बुद्ध को इसका मांस दिया था, जिससे खाने से इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कथन, ये इनका प्रिय घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था ये। ठीक है, ये कहता बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुधा जिसकी दी हुई खीर, जिसकी खीर गौतम, जिसकी खीर बौद्ध ने खाई। एक और इनके, ठीक है, इसमें एक और था अश्व थन, ये वो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, पीपल का वृक्ष। जिसके नीचे बैठ कर ज्ञान की प्राप्ति की,
ठीक है, क्या था देखो, ये थे इनके सारथी, ठीक है। ये तो चुनने जिनने जिसका मांस, जिन्होंने जो मांस दिया था, जिसको खाकर बौद्ध की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कंथक इनके प्रिय घोड़े का नाम सजात क्या था, इनके दीवी खीर खाई थी। और अलम कीला ये वो थे जिससे जिसके मतलब जिसके द्वारा इन्होंने बुद्ध ने क्या किया था, जिसके द्वारा योग एवं उपनिषद की क्या ली थी, शिक्षा शिक्षा ली। किसने? बुद्ध ने, ठीक है। बुद्ध ने इनसे क्या ली थी, इस चीज की शिक्षा ली थी। ठीक है, ये हो गए इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे और भी, गौतम बुद्ध के बारे में जो कंटेंट है, इनके बारे में बहुत बढ़िया कंटेंट है, ठीक है। अब जो तो बुद्ध बुद्ध से जीवन के जुड़े हुए प्रतीक, ठीक है, बुद्ध के जीवन से क्या थे, जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं, ठीक है। इनके द्वारा इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं, ठीक है। 8 प्रतीक है बुद्ध बौद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के द्वारा जुड़े हुए 8 प्रतीकों को माना जाता है, ठीक है, जिसमें पूरे लिखे जाएंगे। हाथी, कमल, सांड, ठीक है, घोड़ा, पीपल, शेर, पदचिन्ह, ठीक है, और स्पूत। ठीक है, ये इनके जीवन से जुड़े हुए क्या थे, 8 प्रतीक थे। हाथी किसका प्रतीक था? बुद्ध के गर्भ से आने का प्रतीक। कमल था जन्म का प्रतीक, ठीक है। सांड था यौवन का प्रतीक, ठीक है। घोड़ा था गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक। पीपल था इनका ज्ञान का प्रतीक। ठीक है, शेर था इनके समृद्धि का प्रतीक। पदचिन्ह था इनके निवारण का प्रतीक, ठीक है। स्पूत था इनकी मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए, हाथी का प्रतीक था इनके गर्भ में आने का प्रतीक, कमल का जन्म का, सांड का था यौवन का, घोड़े का गृह त्याग का, पीपल का ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक, शेर था समृद्धि का, और पदचिन्ह थे निवारण का, और स्तूप था इनकी मृत्यु का प्रतीक था, ठीक है। किनकी? गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक था। ये 8 पदचिन्ह हैं जिनके बारे में क्या किसी में भी, किसी भी एग्जाम में पूछा था, यूपीएससी टेट वगैरह किसी में भी पूछा जाता है कि ये 8 8 चिन्हों के बारे में, किसी एक के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे अपन कि इनके बारे में और भी क्या चीज़ दी गई, ठीक है। अब क्या किया था गौतम बुद्ध ने, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, किसने 29 29 वर्ष में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग, ठीक है। 29 वर्ष की गृह त्याग कर दिया था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था इन्होंने, अपना गृह त्याग कर दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की इस घटना को क्या कहा गया, इस गृह त्याग की इस कहा महाघट इस घटना को महा महावी निष्क्रमण कहा
महावीर निष्क्रमण नाम से जाना गया, ठीक है। बौद्ध ने 7 साल की अवस्था में, कितनी बुद्ध ने 7 साल तक, कितने बुद्ध ने, कितने 7 साल तक, 7 वर्षों तक की ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। बुद्ध ने क्या किया, 7 वर्षों तक ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति की। इन्होंने भटकते रहे इधर उधर, और इन्हें सर्वप्रथम, किसके सर्वप्रथम, इन्हें सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसके द्वारा, आलर कलम एवं उदक राम पुत्र, ठीक है, इनके द्वारा क्या हुई, इन दो गुरुओं के द्वारा, ये क्या थे, इनके सबसे पहले दो गुरु हुए, ठीक है, इनके द्वारा, इनके गुरु हुए ये, ठीक है, इन दोनों के द्वारा इन्हें क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको, महात्मा बुद्ध को, किसकी, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन दोनों के द्वारा किसकी हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इनके जीवन में देखे हुए 4 दृश्य, ठीक है, वो कौन कौन से दृश्य थे, प्रथम दृश्य, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इन्होंने जो 4 दृश्य देखे थे, जिनके द्वारा इनके जीवन का क्या हो गया था, एक तरीके से पलट गया था, किस, कौन सा, वृद्ध, ठीक है, दूसरा था रोगग्रस्त, रोगग्रस्त व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और प्रसन्न सन्यासी, ठीक है। ये थे इनके जीवन के 4 दृश्य, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में और भी हम पढ़ेंगे अब, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अभी इतना ही पढ़ेंगे, और गौतम बुद्ध के बारे में हम और भी आगे जानेंगे, ठीक है, अगली क्लास में।